समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं, और लगातार इस तरह का एडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो एडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। नहीं, होनी चाहिए, मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं, और लगातार इस तरह का एडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो एडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। नहीं, होनी चाहिए, मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका